गाइस वेलकम बैक टू माय प्रिया सनसेट ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी लोग को गुड आफ्टरनून हो रहा है ना। हाँ सॉरी, तो यहाँ पे एक बज चुका है। चलिए वीडियो बने रहिएगा और देखते रहिएगा हम जो लेके आए हैं ना, क्या लेके आए हैं, मतलब अलीबाग से स्पेशल चीज क्या लेके आए, उसका स्पेशल डिश बनाने वाले हैं। आप लोग अगर गाँव से हैं तो आप लोग बना के खा भी लिए होंगे शायद, और ये चीज खाते ही होंगे इस मंथ में, जैसे कि मई हो गया, अप्रैल हो गया, अप्रैल से स्टार्ट हो जाता होगा, मई जून तक सब लोग खाते होंगे और बहुत लोग का ये फेवरेट होगा। किसका किसका फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए हम दिखाते हैं और क्या बनाने जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी का भी फेवरेट है, मेरा भी। चलिए मेरी बड़ी लड़की भी खाती है। चलिए मैं वीडियो में बना, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये जो मैं 5 आम ले ली थी ना वहाँ से, उसको हम लोग खाए नहीं, तो हम सोचे कि इसका कुछ डिश बनाएंगे। चलिए एक वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। 5 आम तो हम ले लिए थे, 1 आम हमें मिला था वहाँ गिरा हुआ, तो चलिए 6 आम कुछ है इधर, तो मुझे लगता है 1 या 2 मिला था गिरा हुआ, तो वो वाला लगता है कुछ थोड़ा पक हो गया है, तो उसको नहीं काटेंगे। और इसका हम बनाने वाले क्या हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा, आप देखिएगा। आप लोग जरूर बनाए होंगे, कमेंट करके बताइएगा बनाए कि नहीं, और किसको किसको पसंद है वो भी बताइएगा आप वीडियो में। तो पहले ऐसा छील लीजिएगा, छील के धुल दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको भी छील लेते हैं, तो एकदम क्लीन धुल लीजिएगा भाई। मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ केमिकल वगैरह तो नहीं, एकदम पेड़ से तोड़ा हुआ है। अगर हमारा वीडियो आप देखे होंगे, इसके पहले वाला जो वीडियो मैं मतलब आने वाला छोड़ी वीडियो, उसमें दिखा होगा आपको, तो मैं एकदम फ्रेश तोड़वाई हूँ झाड़ से, और वो भी नीचे भी नहीं गिरा था सब एकदम, मतलब एक इतना अच्छा से आइडिया से तोड़े थे ना, क्या बताएं आपको। तो एक ऐसा बनाए थे गुस्सा, उस गुस्से में सब आम आ जा रहा था। तो चलिए यहाँ पे सब कुछ धुल गया, अब इसको हम काट लेंगे, ऐसे काट कट करके ना इसका बीज निकाल लेंगे। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। बीज निकाल के ऐसे फाड़ देंगे ऐसे ऐसे, ये देखिएगा। चलिए हम सारा कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं वीडियो में, आप बने रहिएगा। बनाने का मैं प्रोसेस चालू कर दी हूँ। यहाँ पे देखिए कट कर ली हूँ, 2-3 आम जो है नहीं कटे, उसमें गुसली बहुत बड़े आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए मेथी ले लिए हैं और थोड़ा जीरा ले लिए हैं और थोड़ा सा लहसुन डाल दिए, क्योंकि पचफोरन वगैरह ना हमारे यहाँ हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं, लहसुन बहुत जरूरी है, तो आप भी ले लीजिएगा ऐसे ही। और एक ले लेते हैं पलटा, जो कि इनको चलाने के लिए ले लीजिएगा। और बस ये जब लाल हो जाएगा एकदम ना, तो देखिए, और हम लाल मिर्च इसमें पर डालते हैं, तो सॉरी लाल मिर्च हम ऐसे फ्राई करके नहीं डालेंगे, आपको दिखाते हैं कैसे डालेंगे। यहाँ पे ना हल्दी भी आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे लाल मिर्च की जगह हम चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे, उसके बाद डाल दीजिएगा आप। हाँ मुझे ना बनाए हुए बहुत दिन हो गए, यहाँ पे जो मिलता ही नहीं, मैं कम से कम 3 से 4 साल बाद बना रही हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा, और इस समय में आप लोग बनाते ही होंगे पक्का। तो गाइस हम 1/2 किलो आम है, तो 1/2 किलो तक गुड़ भी ले लेंगे, क्योंकि आम बहुत खट्टा है। ये हम भून लिए हैं, अब बहुत ही जल्दी बनता है, डाल देंगे आप इसमें पानी, सॉरी, तो पानी डाल के इसमें डाल देंगे गुड़, ये तो गुड़ गली जाएगा आपको पता है, और इसमें थोड़ा काला नमक डाल देंगे। तो मैं सही बनाई हूँ कि नहीं, खट्टी मीठी चटनी है हमारे यहाँ, खट मीठिया भी बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं। इसमें थोड़ा लास्ट में मैं ये काला नमक डाल दूंगी, ये वाला नमक डाल दी हूँ, लास्ट में वाला नमक भी थोड़ा डाल दूंगी, तो इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। छोटी लड़की को पीना है आम का जूस, जो कि देखिए ये इतना आम मैं निकाल ली हूँ साइड साइड वाला, ऐसे में मैं काला नमक वगैरह डाल के पुदीना वगैरह डाल के, पुदीना तो मेरी लड़की खाती नहीं, पुदीना भी डालते हैं, आप लोग डालिएगा तो पुदीना भी डालिएगा, और थोड़ा नमक वमक डाल के बर्फ डाल के इसको जूस बनाते हैं। तो गाइस देखिए एकदम पीस लिए एकदम मस्त, और इसमें हम ले लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा ठंडा पानी, थोड़ा बर्फ,
और इसमें मैं काला नमक वगैरह ली थी, आप लोग क्या लेंगे आप लोग के ऊपर। तो गाइस इसमें मैं चाट मसाला और प्लस वो डाल दी थी काला नमक, और मैं ये नहीं डाली हूँ सिर्फ पुदीना, क्योंकि पुदीना हमारे बच्चों को पसंद नहीं है। तो चलिए हम गिलास में पलटी कर लेते हैं। नींबू है? नींबू हाँ नींबू है, नींबू भी बोला था। नहीं नहीं एक बंद करो, जी बाजू में नींबू फिर उसके लगाया था तो उसको बाद में मिर्ची में। तो चलिए इन लोग को दे देते हैं, बाकी मैं ले लेती हूँ ना पापा। यू ना ठीक है, बताओ पहले कैसा बना, कैसा बनाया, कैसा बनाया गुन्नू नैना? तो इनका बहुत मन था कि मुझे कच्चे आम का क्या पिलाओ शरबत, तो हो गया। देखो क्या इतने ही आम से हम लोग सब कुछ कर लिए, ठीक है। और जी खट्टा बहुत था ये आम, बहुत ही खट्टा था, कोई खा नहीं पाएगा एक टुकड़ा आम। अच्छा लग रहा है और ले। तो गाइस सबको भी दे दिए और हम भी ले लिए, देखिए पूरा ग्लास भर के और टेस्ट भी कर लिए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा जूस किसी चीज का पी हूँ मार्केट में, किसी चीज का पी हूँ कहीं होटल में शादी में पी हूँ, बहुत टेस्ट है। चाट मसाला और जो जीरा का पाउडर डाल दिया ना जीरा मरीच का, उससे और टेस्ट आ गया। मैं इसमें क्या क्या डाली हूँ आपको बता देती हूँ। आप पुदीना डाल सकते हैं, आप आम को छोटा छोटा छील के टुकड़ा में ले लीजिएगा, शक्कर ले लीजिएगा, शक्कर अपने मतलब मीठा ज़्यादा आपको पसंद है तो वैसा लीजिएगा, कम पसंद है तो बस दो चम्मच लीजिएगा, दो ग्लास के बारे में बता रही हूँ। और उसके बाद जीरा मरीच का पाउडर, थोड़ा सा जीरा भून लीजिएगा और उसका मरीच का पाउडर बना के वो डाल दीजिएगा आधा चम्मच, और चाट मसाला डाल दीजिएगा आधा चम्मच, आधा चम्मच ही काला नमक डाल दीजिएगा सिर्फ, और मिर्ची उर्ची कुछ भी नहीं डालना है, बस इतना ही डाल के साथ में ही सब एक ही साथ पीस लेना है। पीस के बस आप ठंडा पानी डाल लीजिए, मैंने बर्फ वगैरह कुछ नहीं डाला, ठंडा पानी डाला है बस, हो गया। बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग भी बना के पीजिएगा अपने घर पे और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस समय ठंडा सॉरी कच्चे आम का सीजन चल रहा है, नहीं भी आप मुंबई में भी हो तो एक आम लाएंगे उसमें भी हो जाएगा। वीडियो बने रही, देखिए खाना वाना सबका हो गया। मैं भूल ही गई थी कि आज मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी और हाँ आपको दिखाई भी नहीं थी फाइनली मेरा चटनी कैसा बना था। चलिए फाइनली आपको दिखा देते हैं, रात का खाना हो गया, मेरे को मुझे याद ही नहीं था कि मैं आज ब्लॉग स्टार्ट की थी। हाँ बोलो। तो क्या बताऊँ, जब एक दिन नहीं कल मैं कोई वीडियो नहीं शूट की थी इसके लिए ऐसा लगा था ना कि मैं दूसरे दुनिया में चली गई थी कि वीडियो अब नहीं शूट करना मुझे। चलिए दिखाते हैं आपको, किचन में आ गए हैं, दिखाते हैं फाइनली आपको चटनी कैसा बना हुआ है और इसको रख देते हैं। अभी तक कोई खाया ही नहीं है और बहुत खट्टा है आम जो है। यहाँ पे बाबू का दूध भी बॉईल कर ली हूँ और चलते हैं, खुला रख देते हैं अभी थोड़ा, और चलते हैं देखते हैं बाबू क्या कर क्या रहा है। अंशु फ्रेश फ्रेश नहीं होना है, फ्रेश नहीं होना है। यहाँ पे देखिए एसी चालू करके सब लोग एकदम फ्रेश करना है बाबू उसको, हटो गुनगुन फ्रेश करना है। यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल और चद्दर उद्दर ओढ़ के, ऐसा कौन करता है आज, ठंड लग रहा है क्या बाबू? यस यहाँ पे ये बिजी है, ये देखिए कोने में, मतलब सब लोग अपने अपने दुनिया में बिजी है। क्या कर रही जी, 11 बज गया, बंद करो। एक सेकंड नहीं, बंद करो बंद करो, मम्मी नहीं बंद करो। और टीवी देखती हो और बोलती हो कि ये बाबू को ही देखना रहता है, हम जब देखते तब तुम यही देखती रहती हो। लड़की को काट रहा है मैजिक मैजिक। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है, 11 बज चुका है और वीडियो कर देते हैं फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा हो जरा सभी, और सुबह का वीडियो जो भी है वो सुबह ही शूट हुआ था, जो भी अच्छा लगा है वीडियो आज का नॉर्मल सा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। वैसे मुझे पता है आज का वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत खास वीडियो नहीं था, चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे, तो कुछ स्पेशल वीडियो मिलेगी आपको एक से दो दिन में। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।